उनके समर्थकों ने सेलिब्रेशन करना भी शुरू कर दिया लेकिन समर्थकों का कहना है कि अभी पूरी तरह से सेलिब्रेशन नहीं किया जाएगा जब तक कोई अहम फैसला नहीं लिया जा सकता है बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में काफी सियासी उठापटक चल रही है और इस बीच हो सकता है कि आज कांग्रेस की तरफ से पंजाब को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर दिया जाए पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में जारी विवाद अभी तक थमा नहीं है इस विवाद के बीच शुक्रवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है पार्टी यूनिट में लगातार हो रही इस हलचल की वजह से पंजाब में बैठे कांग्रेस के नेता मंत्री भी कन्फ्यूजन में है दरअसल संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी का मुख्य चेहरा है लेकिन दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू है जिन्हें इस वक्त गांधी परिवार का करीबी माना जा रहा है गांधी परिवार और नवजोत सिंह सिद्धू की नजदीकियों को पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं और उन्हें अभी भी डर सता रहा है कि कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बराबर ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर आकर कमान नवजोत सिंह सिद्धू को न बैठा थी इसी वजह से पंजाब कांग्रेस के किसी भी नेता या विधायक से अगर पूछा जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा नेता है तो इन सवालों पर उनकी सिर्फ वही नपातुला जवाब होता है कि जो एलान आला कमान करेगा वो फैसला सबको मंजूर होगा। तो पंजाब में सियासी उठापटक लगातार जारी है कल नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे थे सोनिया गांधी से मिलने के लिए जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को हो सकता आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ा पद मिल जाए कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा है पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रियंका ने कहा कि यूपी में संविधान को नष्ट किया जा रहा है इसीलिए हम लोकतंत्र और यहाँ की जनता के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं प्रियंका ने सवाल किया कि एक ऐसा की ये कैसा विकासवाद है कोरोना की दूसरी लहर में पंचायत चुनाव कराए गए उस समय कई लोग कोरोना से संक्रमित हो गए इसके अलावा कई लोगों की जान भी चली गई लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव कराए गए उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा कराई गई पुलिस और प्रशासन ने उम्मीदवारों का अपहरण किया नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों को पुलिस उठाकर ले गई नामांकन पत्रों को फाड़ दिया गया यहाँ तक की महिला उम्मीदवारों को भी मारा पीटा गया प्रशासन वोट के लिए लोगों को धमकी देता रहा योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पुलिस प्रशासन समेत हर चीज का इस्तेमाल कर रही है दरअसल प्रियंका गांधी तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ कल पहुंची थी शुक्रवार दोपहर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी कुछ घंटे मौन धारण कर बैठी रही हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रियंका गांधी को पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कर बैठकें करनी थी लेकिन वो मौन धरने पर बैठ गई धरना खत्म करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रियंका गांधी का धरना पूर्व निर्धारित नहीं था लेकिन अचानक धरने पर बैठ उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल पैदा कर दिया है बता दें प्रियंका गांधी कल से अपने तीन दिवसीय दौरे के लिए लखनऊ पहुंची हैं जिसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया और उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम आरोप योगी सरकार पर लगाए हैं बीजेपी सरकार पर लगाए हैं अभी यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव तक हर चीज को लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर कई आरोप लगाये प्रयागराज बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी कागजात के जरिए शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिए हैं मुख्तार पर पांच धाराओं में आरोप तय किया गया है बता दें अदालत में अब जल्द ही इस मुकदमे का ट्रायल भी शुरू हो सकेगा हालांकि सुनवाई के दौरान मुख्तार ने खुद पर तय किए गए आरोपों से इनकार किया और अदालत से अपने फैसले पर दोबारा आरोप जांच करने की गुहार भी लगाई मुक््तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने साल 1987 में उन्होंने फर्जी कागजात और जीएम के जाली दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था मुक््तार ने शस्त्र लाइसेंस के लिए 10 जून 1987 के आवेदन भी किया था जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद मुक््तार के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदआबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी लंबे अरसे अलग अलग अदालतों में लटका रहा लेकिन कुछ सालों पहले यह मामला प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था तो बता दें मुख्तार अंसारी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं पच्चीस साल पुराने मामले में फिर से उन्हें तलब किया गया है मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल उठा दिए हैं संजय सिंह ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के एक विधायकों के दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्होंने सवाल खड़े किए कि इस कानून में पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर लोगों को ही चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की गई है ऐसे में विधायक सांसद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को विशेष रियायत देने का क्या मतलब है? उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी बीजेपी पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हारी है लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के ही ज्यादातर चुने गए हैं ये सीधे सीधे सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग है ऐसे में आप मांग करती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव दोबारा कराए जाए और आगे से ये चुनाव सीधे सीधे जनता से कराए जाने चाहिए बता दें संजय सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट गठित किया गया है वो मंदिर बनाने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए गठित किया गया है ये लोग चंदा चोर है और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं तो बता दें संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप लगाए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है हालांकि अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया जाए नीति ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया उसको लेकर अब सियासत लगातार जारी है तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को कटघरे में लगातार घेरती हुई नजर आ रही हैं तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य में लगे लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है वहीं इस बढ़ाए गए लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा रियायतें दी गई हैं। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे वहीं आईटीआई और टाइप राइटिंग स्कूलों में पचास क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे वही स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षकों को भी अनुमति दी गई है बता दें पिछली घोषणा में राज्य में उन्नीस जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी वहीं संक्रमण मामलों को देखते हुए इसे इकतीस जुलाई तक पढ़ाने का फैसला ले लिया गया है बता दें सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में पचास लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है वही अंतिम संस्कार में बीस लोग शामिल हो सकते हैं साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टरलिन ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और अगर कोई भी जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकले साथ ही इस प्रकार से कोरोना नियमों का पालन भी करें अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के लिए उद्देश्य से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है सरकार ने राज्य में कावड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया है वहीं सार्वजनिक स्थानों पर ईद उल जुहा को मनाने पर भी रोक लगा दी गई है बता दें राज्य सरकार ने ये गाइडलाइंस अनलॉक फाइव के अंतर्गत जारी की है और दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के गृह विभाग ने कहा कि श्रावण मास में राज्य में तथा और राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्राएं उचित की जाती हैं जिन राज्यों से ये यात्राएं शुरू होती हैं जैसे उत्तराखंड में इस पर रोक लगाई जा चुकी है कावड़ यात्राओं में भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की सभी धार्मिक यात्राओं और जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी इसके अलावा 15 इस जुलाई को ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा सरकार ने कहा कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर सबसे ज्यादा भीड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी तो बता दें राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है अनलॉक फाइव को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं आने वाले ईद के त्योहार को लेकर भी तमाम निर्देश दिए गए हैं साथ ही साथ राज्य में कावड़ यात्रा पर भी गहलोत सरकार ने रोक लगा दी है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गहलोत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है किसानों के संसद कूच के दौरान असामाजिक तत्व बवाल कर सकते हैं इसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और लोगों के मोबाइल पर कॉल भी आ रही है इसमें बवाल के योग लिए वाले भड़काऊ बयानबाजी भी शामिल है इस आशंका को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने सरकार को भेजी एक रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की सलाह दी है वही रिपोर्ट के बाद छब्बीस जनवरी जैसी किसी अप्रिय घटना के मद्देनजर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जुलाई को संसद कूच का ऐलान कर रखा है इसके तहत 22 राज्यों के संगठनों से करीब 200 किसान नेता संसद कूच करेंगे बता दें किसान नेता बॉर्डर से बसों में बैठकर दिल्ली जाएंगे और संसद से पहले मार्च करेंगे खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है की कि किसानों के कूच के दौरान असामाजिक तत्व तो बवाल कर सकते हैं इसके लिए किसानों और अन्य लोगों को उकसाया जा रहा है अलगावादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था और केसरी झंडा तलवार से लेकर दिल्ली में घुसकर संसद पर कब्जा करने की बात भी कही थी अब किसानों के मोबाइल पर लगातार कॉल्स आ रखी हैं इसमें पंजाब को आजाद कराने समेत कई अन्य उकसाने वाली बात कही जा रही है इसमें भी वही भड़काऊ बयान दोहराए जा रहे हैं जो पहले दिए गए थे वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के गंजबा सौदा के लाल पठार क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम को कुएं में गिरे किशोर को बचाने के प्रयास के दौरान अंतर गिरी लोगों में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है जबकि 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं इसके साथ ही 24 घंटे से ज्यादा समय तक चला बचाव कार्य शुक्रवार रात आठ बजे तक खत्म हो गया वही पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को दो लाख रूपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है वहीं पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार की शाम एक किशोर कुएं में गिर गया था जिसे बचाने के लिए कुछ लोग उसमें नीचे उतरे इस दौरान घटना को देखते देखने के लिए कुएं के मुंडे और उस पर बनी छत पर कई लोग जमा हो गए भीड़ के वजन से कुएं की मुंडेर और छत टूट गई और उस वक्त खड़े लोग कुएं के अंदर जा गिरे जिसके बाद इस कुएं में एक और हादसा हो गया बचाव कार्य में लगाए ट्रैक्टर भी कुएं में धस गया था जिसके बाद बृहस्पतिवार को करीब 11 बजे इसमें गिर गया था हालांकि उनके उन्हें बचा लिया गया बता दें मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शुक्रवार रात को घटना स्थल से फोन पर उन्होंने बताया कि बचाव कार्य शुक्रवार रात दस बजे खत्म हो गया उन्होंने कहा कि हादसे के बाद उन्नीस लोगों को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है कुएं से कुल ग्यारह शव भी बरामद किए गए कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में वो लोग भी संक्रमित हो गए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों या फिर एक डोज ली थी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन से साफ हुआ है कि इसके लिए मुख्य तौर पर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है हालांकि वैक्सीन लगने वालों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत कम आई और मौतें भी ना के बराबर हुई आईसीएमआर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया की अध्ययन में महाराष्ट्र केरल गुजरात उत्तराखंड कर्नाटक मणिपुर असम जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब पुडुचेरी दिल्ली बंगाल और तमिलनाडु से कुल 677 केस ऐसे मिले हैं जिन्होंने वैक्सीन की कोई ना कोई डोज ले रखी थी इनमें से इकहत्तर ने कोवैक्सीन 604 ने कोविशील्ड और दो ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म लगवाई थी अध्ययन में पाया गया कि वैक्सीन लेने वालों में से छियासी से ज्यादा संक्रमण डेल्टा वेरियंट की वजह से हुआ है जिसे भारत में दूसरी लहर के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार माना जाता है इसके अलावा कप्पा और एल्फा वेरियंट भी कुछ मामलों में पाए गए हैं वाराणसी के मंजू आढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है बता दें नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है मंजू आढ़ी रेलवे को पुरातन स्टेशन के तौर पर जाना जाता है अब इस स्टेशन को नई पहचान मिल गई है बनारस स्टेशन के नाम से अब यह स्टेशन जाना जाएगा प्लेटफॉर्म पर नए नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है बोर्ड में स्टेशन का नाम हिंदी संस्कृत अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया है पहले जो स्टेशन मात्र तीन प्लेटफॉर्म का था अब वो आठ प्लेटफॉर्म का बन चुका है स्टेशन पर यात्रियों के बैठने की सुविधा भी कराई गई है वही स्वच्छता के लिए बखूबी इंतजाम किए गए हैं स्टेशन को देखकर तो यही लगता है कि जैसे किसी खड़े हो मंडू नाम बदलने की मांग साल 2015 से हो रही थी सोशल मीडिया पर स्टेशन का नाम बदलने की मुहिम शुरू कर दी गई थी बताया जा रहा है कि अगस्त 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे और इस स्टेशन के बोर्ड पर नाम संस्कृत में भी अंकित किया गया है जब साल दो में चौदह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद बने थे तब स्टेशन का वर्ल्ड क्लास विस्तार शुरू हुआ था आज स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और यात्रियों की माने तो अब इसे जानने में आसानी भी उन्हें होगी रेल कंपनियों ने शनिवार को एक बार फिर से डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर रही है लेकिन पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है राजधानी में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है इससे पहले गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे और 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी बता दें भर में तेल की कीमतें शुक्रवार को नहीं बढ़ाई गई थी दिल्ली में आज पेट्रोल एक रुपए और डीजल नवासी दशमलव आठ सात रूपये प्रति लीटर बिक रहा है एक मई को नब्बे दशमलव चार शून्य रूपए प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत एक सौ एक दशमलव आठ चार रूपए प्रति लीटर पहुंच गई है जो पिछले सड़सठ दिनों में सबसे ज्यादा है वही इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले दो महीने में नौ दशमलव एक चार रूपए प्रति लीटर बढ़कर राजधानी में नवासी दशमलव आठ सात रूपये प्रति लीटर पहुंच गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बीते दिन कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले छह से सात दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी विभाग ने कहा कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है उन्होंने कहा की अठारह से बीस जुलाई तक पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है इसके अलावा अठारह जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है विभाग ने कहा कि 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई को जम्मू में और 18 19 जुलाई को उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है साथ ही कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका भी है और बारिश होने का भी अनुमान है तो बता दें लगातार मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है 18 और 19 जुलाई को तमाम राज्यों में बारिश की मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है हालांकि दिल्ली में भी 18 जुलाई को बारिश का अनुमान लगाया गया है 24 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश के लिए अनुमान लगाया गया है और इसको लेकर अलर्ट भी तमाम राज्यों में जारी किया गया है इसके साथ ही बिहार में भी लगातार बिहार और महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश का मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहे हैं और लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बिहार और मुंबई का हाल बेहाल हो गया है लोगों के घरों में पानी भर गया है वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही आप देखते रहिए न्यूज इंडिया यहां की जवानी भी और यहां का पानी भी ना पानी से बिजली